नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोहल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा दसवीं में हिंदी के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से गद्यखंड के पाठ 6 अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के दूसरे भाग को पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पूर्व वीडियो में मैंने निधा फाजली जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार वे एक मशहूर कवि के साथ साथ लेखक भी थे और उनको खोया हुआ सा कुछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आइए जानते हैं अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी कि जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन हुआ यह कि आदमी ने कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और यहाँ रहने वाले जितने भी तमाम जीवधारी थे उनको दरबदर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अन्य जीवधारी की या तो नस्लें खत्म हो गई या उनको अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा और फिर आज भी वे एक आसियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, परंतु मनुष्य है कि उनको न अपने पास आने देता है न उनके ठौर ठिकाने में रहने देता है। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती। आदमी नाम के इस जीव ने सब कुछ समेट लेने की जो भूख है वो पूरी नहीं हुई। धरती, चांद, मंगल, समुद्र, पर्वत, पहाड़, न जाने किसको किसी को नहीं छोड़ा। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा परहेज नहीं करता। मनुष्य मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं करता। आलम यह है कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है न किसी के सहयोग सहारा देने की मनसा है। यकीन न आता हो तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे और साथ में याद करेंगे कि हमारे आसपास के लोग क्या ऐसे हैं। बहुत संभव है कि ऐसे इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें कुछ न कुछ ऐसे लोगों के बारे में याद आएगा जो ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आइए जानते हैं निधा फाजली द्वारा रचित अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। लेखक लिखते हैं कि बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा पूर्व 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे और कहा जाता है कि केवल मानव जाति के नहीं सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी वे बादशाह थे। वह एक भाषा जानते थे, करुणा की, प्रेम की। एक बार हुआ ये कि वे रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापे सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही राजा की। सुलेमान उनकी बातें सुनी और दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया। मैं किसी की मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसे प्रेम करुणा से भरा बादशाह सुलेमान। एक ऐसी घटना का जिक्र करते हुए सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है और कहते हैं कि उनके पिता एक दिन कुएं से नहाकर लौटे थे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, अपनी बाजू पर नजर पड़ी, वहां पर एक काला चींटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़ा। माँ पूछती है, क्या बात है, क्यों भोजन अच्छा नहीं लग रहा है? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। तो ऐसी प्रेम एक चींटी के प्रति। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसकी कहानी में लेखक लिखते हैं कि एक जख्मी कुत्ता था नूह के सामने। एक बार वह घायल कुत्ता आया। नूह ने उसके दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जाए गंदे कुत्ते, इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। बनाने वाला तो एक है और वो कौन है? खुदा है।
निधा फाजली जी पंक्तियों के माध्यम से लिखते हैं कि मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अर्थात मिट्टी मिट्टी मिलकर तो ये इंसान बना हुआ है, किसमें कितना है वह कोई नहीं जानता। नू जब कुत्ते की बात सुनी तो दुखियों के वो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत के युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही तो था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। इस प्रकार से हमारे आसपास जो जीव है उनसे हम प्रेम करें ना कि उसको दुख करें। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से उसकी यात्राएं शुरू हुई, इन सारे प्रश्नों का उत्तर विज्ञान की अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देता है। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। यहाँ पर पंछी मानव पशु नदी पर्वत समंदर सब की बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। हम अपने आसपास ही देखते हैं लोग न जाने कितने पेड़ पौधे नदी नालों और अन्य जीवों से ऐसे नफरत करता है जैसे वो उनका कभी उपयोग ही न किया हो, जैसे उनके कभी काम ही ना आए हो। और पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, आज तो एक छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है, बढ़ते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, बारूद की विनाश लीला ने पूरे वातावरण को ऐसे दहला दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, अरे प्रतिदिन कितने रोग मानव और प्रकृति के इस असंतुलन का ही तो परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, कितना सहेंगे। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में भी देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उनकी उसकी जमीन को हथिया रहे हैं। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, जब खड़े रहने की कम पड़ी तो गुस्सा आया, और जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और हुआ भी यही, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए तीन जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह तीन दिशाओं में ऐसे फेंका कि टूट कर चकनाचूर हो गया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह गिरा और तीसरे गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट टूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो ये इस संसार में जो हमारे आसपास नदी पहाड़ जंगल और समुद्र है उनको मनुष्य यदि कब्जा करने लगे तो ऐसे ही क्रूर और भयानक चेहरा प्रकृति अपना दिखाएगी ही, ऐसा कवि इस पाठ में लिखते हैं कि हम दूसरों के प्रति दुख है उनके दुख के सहभागी नहीं बन रहे हैं। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो पेड़ रोएंगे, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो फूल बद्दुआ देते हैं, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो वह खुश होता है, कबूतरों को मत सताया करो वे हजरत मोहम्मद को अजीज है प्रिय है। उन्होंने अपनी मजार के नीचे नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे तो जगाता है, तो क्यों परेशान करते हो मुर्गों को,
क्यों कबूतरों को परेशान करते हो? क्यों शाम ढलते ही पेड़ों के पत्ते और उनके फूलों को तोड़ते हो? ये सारी बातें मेरी माँ कहती थी। और यहाँ पर निधा फाजली जी एक पंक्ति के माध्यम से लिखते हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोई अलगाए गीत। सबकी अपनी अपनी पूजा करने की पद्धति अलग है, मस्जिद मौलवी है मस्जिद जाकर अपनी पूजा आराधना अर्चना करते हैं अल्लाह से, और कोयल गीत गाकर ईश्वर की आराधना करते हैं। लेखक लिखते हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में दो रोशनदान थे जिनको कहते हैं खिड़कियां। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। लेखक की माँ को बहुत दुख होता है जब बिल्ली उस अंडे में से एक अंडा को तोड़ देता है। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। किसने? लेखक की माँ ने। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे हाथ से ये अंडा टूट गया। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। ऐसी प्रेम करुणा और अपने किए पर पछतावा आज मनुष्य को नहीं होता है। वो तो अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करता है। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। तो वो ऐसे दूसरों के दुख में अपने दुख को शामिल करने, अपने को दुखी मानना, ऐसे लोग आज नहीं मिलते। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहां दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर भी रहते थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है और इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया। कुछ तो शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके यहाँ वहाँ डेरा डाल लिए। उनमें से दो कबूतर मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बनाकर रहने लगे। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी तो होती है। वे कभी किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी ताकि वह ना आ सके। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की भी बंद हो गई। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना सोलोमैन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो एक अंडे के टूट जाने से दिन भर बिना खाए पिए नमाज पढ़ेगी। ये तो मेरी पत्नी है जो दूसरे के दुख को नहीं समझती, उन कबूतरों के बच्चों को दुख को नहीं समझती। और ये सारी रात उनके लिए कोई नमाज पढ़े या पश्चाताप करे, नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। कवि बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि नदियां तो सींचने पूरे खेतों को सींचते हैं, आम तोते के काम आता है, सूरज ठेकेदार सा, सूरज तो हमारे लिए ठेकेदार है, जैसे उनका काम ही है कि इस संसार को प्रतिदिन सुबह 6 बजे या प्रातःकाल निकलकर संसार को प्रकाशित करना, धूप देना, पेड़ पौधों को प्रकाश देना, ऊर्जा देना। परंतु मनुष्य कहाँ है उनके करुणा प्रेम
दूसरों के प्रति जो वो सहानुभूति दिखाते थे वो कहाँ हैं? कवि हम लेखक हम सबसे यही पूछते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने हमें यही संदेश देने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय में लोग दूसरों के दुख से अब दुखी नहीं होते हैं, उनके सहानुभूति उनके लिए सहानुभूति प्रकट नहीं करते हैं। ये भावनाएं प्यारे बच्चों आप में होनी चाहिए, हम में होनी चाहिए, सभी मनुष्य में होनी चाहिए, तभी तो हम एक अच्छे मानव कहलाएंगे। एक सुंदर सी पंक्तियां हैं, धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया, धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया, और मानवता के सच्चे कणों को जिसने संजोया वही सही इंसान बन गया, वही सही इंसान बन गया। ऐसे मानवता को हमको ग्रहण करना चाहिए, मनुष्यत्व को ग्रहण करना चाहिए। आशा करता हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको करने हैं एक परियोजना कार्य, आप अपने घर के आसपास प्रतिवर्ष एक पौधा लगाएंगे और उनकी समुचित देखभाल कर पर्यावरण में आए असंतुलन को रोकने के लिए अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले भाग के साथ पुनः मिलते हैं।